आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच द टैसल्स ऑफ कॉर्नकॉब रिप्रेजेंट्स। यानी कि मुझे उस पार्ट का नाम बताना है फ्लावर के जो कि हमारे टैसल्स जो होते हैं वो हमारे कॉर्न के कॉब रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वो सवाल यहाँ पे कह रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच द टैसल्स ऑफ कॉर्नकॉब रिप्रेजेंट्स। यानी कि हमें बात करनी है जो हमारा कॉर्न का प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है, हाँ जी, उसका जो एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है टैसल्स, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमें उसी के बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कॉर्न प्लांट की बात चल रही है, तो जो हमारा कॉर्न प्लांट है इसके अंदर फ्लावर की बात हो रही है। फ्लावर है इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारे एंजियोस्पर्म से। तो हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हमें फ्लावर देखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म्स के जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको फ्लावर ही बोला जाता है। हाँ जी, रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या है, यानी कि ये मदद करता है फ्लावर हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए। किसको? फ्लावर्स को। यानी कि इसके पास दो पार्ट्स होने चाहिए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है इनका, तो इसके पास लाजमी है दो पार्ट्स होने चाहिए, एक मेल पार्ट होता है एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के पास। बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कॉर्न प्लांट के बारे में, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा फीमेल पार्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊँ, ये जो मेरी राइट में इमेज है ये मेरी एक कॉर्न कॉब प्लांट की इमेज है। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टाइल्स जिनको बोला जा रहा है सिल्क्स, और जो फीमेल की इन्फ्लोरेसेंस है उसको बोला जाता है ईयर। यानी कि बता देता हूँ हमारे जो फीमेल पार्ट जिसके द्वारा दर्शाए जाते हैं वो हमारे होते हैं सिल्क और साथ ही साथ में हमारे ईयर्स। तो ये होते हैं हमारे फीमेल के पार्ट हमारे कॉर्न के प्लांट में। बात करो अगर मेल प्लांट के बारे में, तो आप देख सकते हैं इमेज के अंदर सबसे ऊपर दिखा हुआ है मेल इन्फ्लोरेसेंस जिसको बोल रहे हैं टैसल्स। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे टैसल्स क्या हुए, टैसल्स होते हैं हमारे मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये तो मेरी बात होगी किसकी, हमारे टैसल्स मेल और फीमेल पार्ट की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मुझे बताना था टैसल्स के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया जो टैसल्स होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं मेल के इन्फ्लोरेसेंस को। हाँ जी, मेल के इन्फ्लोरेसेंस को या फिर मेल पार्ट्स को जो कि मदद करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के लिए कॉर्न प्लांट के अंदर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।